देश में आज भी महिलाएं शादी के बाद अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रही हैं। खबर उत्तर प्रदेश के बांदा से है। यहां एक गर्भवती महिला ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि उसे गर्भपात के लिए दवा खिलाई गई, जिसके बाद उसकी हालत काफी बिगड़ गई। हालत ज्यादा गंभीर होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर उसके पति, सास और ससुर समेत 6 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। पीड़िता ने बताया कि 24 नवंबर 2022 को मुस्लिम रीति रिवाज के साथ उसकी शादी बिसंडा थाना क्षेत्र के बछौदा के रहने वाले शकील से हुई थी। विदाई के समय ससुराल वालों ने बुलेट और 2 लाख रुपए की डिमांड रखी थी। पिता ने किसी भी तरह 50,000 रुपए दिए और बाकी बाद में देने का वादा किया था, लेकिन विदाई के बाद युवती ससुराल पहुंची और कुछ दिन बाद गर्भवती हो गई। इसके बाद ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और कहा कि बचा हुआ पैसा और मोटरसाइकिल दे, उसके बाद ही तू बच्चा पैदा कर सकती है। पीड़िता पर बच्चा गिराने का दबाव बनाया गया, साथ ही धमकी दी कि तलाक देकर घर बैठा देंगे। महिला ने जब ससुराल वालों की बात नहीं मानी तो उसे खाना देना बंद कर दिया। 10 दिसंबर को पति, सास, ससुर और ननद ने मिलकर उसे जबरन गर्भ गिराने की दवा खिला दी, जिसके बाद महिला की हालत काफी बिगड़ गई। महिला ने मायके वालों को जानकारी दी तो उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। ससुराल वालों से परेशान होकर महिला एसपी के पास पहुंची और अपनी आपबीती सुनाई। एसपी के आदेश के बाद महिला थाने में पति समेत 6 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में पुलिस ने केस दर्ज किया है, जिसके बाद पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। इस मामले में एएसपी के आदेश के बाद महिला थाना इंचार्ज ने एफआईआर दर्ज करने के बाद विवेचना शुरू कर दी है। एसपी अभिनंदन का कहना है कि विवेचना के दौरान जो भी साक्ष्य प्राप्त होंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।